नमस्कार, स्वागत है आपका वामा टीवी के प्रोग्राम वामा राशि चक्र में। तो चलिए जानते हैं आज की 12 राशियों का हाल। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। चाहिए आपके लिए एक शांत और आनंदमय दिन होगा। आप संतोष और उद्देश्य की भावना महसूस करेंगे, जो आपके भविष्य को महानता और खुशी का आश्वासन देता है। आप अचानक एक पुरानी कार में निवेश करना चाहते हैं और आपके लिए अनुकूलित कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि इस वाहन को नवीनीकृत करने में आपको भारी खर्च उठाना पड़ेगा। आप लापरवाही से कुछ ऐसा कह सकते हैं जो आज आपके साथी को चोट पहुंचाता है। अपनी जीभ को रोकें, क्योंकि यह रिश्ते को स्थायी रूप से बर्बाद कर सकता है। हो सकता है कि आप अपने दम पर एक व्यवसाय की शुरुआत करने की योजना बना रहे हो। यह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का एक उत्कृष्ट समय है, क्योंकि आप अपने मिशन में सबसे अधिक सफल होंगे। जोड़ों का दर्द आपकी सामान्य दैनिक गतिविधियों में बाधा डाल सकता है, जो आपके उत्पादक बनने की क्षमता को प्रभावित करेगा। अब बढ़ते हैं हम वृषभ राशि की तरफ, जहां वित्तीय मुद्दे आज आपको चिंतित कर सकती हैं। आपके अधीनस्थ अपने कर्तव्यों से भाग रहे होंगे और उनके काम का एक बड़ा बोझ आप पर आ सकता है। सख्त कार्रवाई करें ताकि नीचे की रेखा प्रभावित ना हो। एक ऐसा व्यवसाय जो कुछ समय के लिए रुका हुआ हो सकता है, अचानक खिल जाएगा और आपको इससे अप्रत्याशित आय दिखाई देगी। बेहतर होगा कि आप उस मामले में कोई दिलचस्पी ना दिखाएं जिससे आपका साथी वर्तमान में निपट रहा है, क्योंकि इसे ठीक से नहीं लिया जाएगा। वह सोच सकती है कि आप उसके मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापारिक साझेदारी में लाभ हो सकता है, जिसमें आप एक आकर्षक सौदा करने में सक्षम होंगे, खासकर यदि आप तेल और पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह दिन आपके पक्ष में रहेगा, क्योंकि आपको चिकित्सा कवरेज के लिए अच्छा लाभ मिलता है। बीमा में निवेश करने के लिए यह एक अच्छा दिन है। अब बढ़ते हैं हम मिथुन राशि की तरफ, जहां आपका स्वास्थ्य आज चरम स्तर पर है और आपके पास भरपूर ऊर्जा होगी। आप इस बात से प्रसन्न होंगे कि आप कितना अद्युत महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप समय पर कर चुकाने में सक्षम ना हो, क्योंकि आपको अचानक पैसे खर्च करने की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए चुकौती में देरी के परिणाम स्वरूप अधिक अर्जित ब्याज हो सकता है। आपके रिश्तों में सामंजस्य रहेगा और आपको अपनी पत्नी के साथ किसी भी समस्या या गलतफहमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जीवन की प्रगति के साथ शांति से रहेंगे। आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं आपकी पार्टी में विचारों के टकराव के कारण बाधित होंगी या रुकेंगी। इस मुद्दे को हल करने में समय लग सकता है। आपकी माँ किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हो सकती हैं और उनका स्वास्थ्य अचानक नाटकीय रूप से बिगड़ सकता है, इसलिए आप अतिरिक्त सावधानी और एक अलग उपचार पर विचार करें। अब बारी आती है कर्क राशि की, जहाँ आज का दिन सामान्य और नियमित रहेगा। आप अपने सभी सामान्य कार्यों में शामिल होंगे और अपने काम को कुशलता से पूरा करेंगे। आपको अनावश्यक रूप से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जो निवेश किया है, उसे आप एक उत्कृष्ट अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि अचल संपत्ति के रूप में भूमि के मूल्य में लगातार वृद्धि होती है। समाज के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, विशेष रूप से आपके साथी और दोस्तों के साथ। आपके विनम्र और सौहार्दपूर्ण स्वभाव के कारण हर कोई आपकी ओर देखेगा। आप अब जैसे हैं वैसे ही बड़ी स्पष्टता के साथ काम करेंगे। निश्चित रूप से आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं, इस ऊर्जा का उपयोग कुछ सकारात्मक और विस्तृत करने के लिए करें। आपको थोड़ी देर के लिए सांस लेने की समस्याओं से निपटना पड़ सकता है, क्योंकि आप एक रहस्यमय नई एलर्जी से निपट रहे हैं। नए या असामान्य खाद्य पदार्थों से सावधान रहें। अब नजर डालेंगे हम सिंह राशि की। आपका दिन पूर्वानुमेय और नियमित रूप से एक सुखद तरीके से बीतेगा। आपको कोई अप्रत्याशित समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और कुल मिलाकर यह दिन संतोषजनक रहेगा। हो सकता है कि आपने अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए किसी व्यक्ति या फर्म को ऋण दिया हो, हालांकि आपको समय पर धन वापस नहीं मिलेगा, उसमें देरी हो सकती है। इस बात की प्रबल संभावना है कि जिस व्यक्ति के साथ आप अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उस पर आपकी जीत होगी। यह दिन आपके लिए प्रेम में सफलता लेकर आएगा। हो सकता है कि आपकी टीम से एक या दो सदस्य गायब है, जिससे आप पर काम का बोझ बढ़ेगा और प्रदर्शन करने का दबाव होगा, जिससे आप पर और आपके सहकर्मी पर बहुत दबाव पड़ेगा।
महिलाओं को आज पेट में गंभीर दर्द हो सकता है। अनावश्यक वजन उठाने और जोरदार शारीरिक श्रम करने से बचें। अब बढ़ते हैं हम कन्या राशि की तरफ, जहां अधूरे प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट में भाग लेने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा दिन है। इस काम को आज पूरा करना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। आप लंबे समय के निवेश से पैसे की उम्मीद कर रहे होंगे जो परिपक्व हो गया है, लेकिन गलतफहमी के कारण धन मिलने में देरी होगी। आपके प्रियजन आज दूर दूर नजर आएंगे और यहाँ तक कि आपका साथी भी आपसे मुंह मोड़ लेगा और आपकी बात का जवाब भी नहीं देगा। आप असहाय रूप से अकेला महसूस करेंगे। एक व्यापार साझेदारी में वित्तीय लाभ का अवसर है जो समय के साथ लगातार बढ़ता गया है। उसमें आप नए दीर्घकालिक ग्राहक भी प्राप्त कर सकते हैं। आप तनावग्रस्त और निराश हो सकते हैं क्योंकि आप लंबे समय से बिस्तर पर पड़े हैं। इसके लिए चिंता ना करें, यह जल्द ही ठीक हो जाएगा। अब नजर डालते हैं हम तुला राशि वालों की तरफ। यह आपके लिए एक बहुत ही शांतिपूर्ण दिन होगा। आप अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ एक सुंदर परिदृश्य का शांत वातावरण में आनंद लेंगे। विभिन्न स्रोतों से अप्रत्याशित धन लाभ होने की संभावना है, चाहे वह किसी से अचानक लाभ हो या वेतन में वृद्धि। आपका साथी आज किसी मुद्दे से निपट सकता है जिससे आपके और उसके बीच गलतफहमी हो सकती है। उसकी बातें सुने, वह अधिक उम्र का है और अधिक अनुभव रखता है। आप व्यवसाय से संबंधित कुछ विचार मंथन करेंगे। मुद्दों पर आप जवाब देने से पहले दो बार सोचेंगे, क्योंकि आप पिछली गलतियों पर विचार करते हैं और आपने जो सीखा है उसे लागू करने का प्रयास करते हैं। इसलिए सावधान रहें कि आप आज क्या खाते हैं। सुबह पुराना खाना या तरल पदार्थ ना पिए, क्योंकि इसके बाद में परेशानी हो सकती है। अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की, जहां आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपको वह नौकरी मिलने वाली है जिसकी आप सख्त इच्छा रखते हैं और जिसके लिए आपने कड़ी मेहनत की थी। जल्द ही आय का एक स्थिर स्रोत हाथ में होगा। आज महिलाओं के साथ आपके व्यवहार के कारण आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। कोई आपके इरादों को गलत समझ सकता है और नाराज हो सकता है, जिससे आपके संबंध खराब होंगे। आपको एक राजनीतिक दल में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पार्टी के नेता आपकी विचारधारा से प्रभावित होंगे। आप में नेतृत्व की अपार क्षमता देखेंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं, उनके स्वास्थ्य में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम धनु राशि की तरफ। यह आपके लिए एक शानदार दिन होगा, क्योंकि आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आप अपराजय होंगे। आपके आसपास के सभी लोगों द्वारा आपकी प्रशंसा किए जाने की बहुत संभावना है। अप्रत्याशित खर्चों के कारण आपकी वित्तीय जरूरतें काफी बढ़ सकती हैं। आपको अचानक अपने घर की मरम्मत या कोई नया घरेलू उपकरण खरीदना पड़ सकता है। आप अपने साथी के साथ खुद को एक नए माहौल में पा सकते हैं, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप अपने नए परिवेश के साथ काफी अच्छी तरह से तालमेल बिठा लेंगे। आप काम में पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं और उच्च पद पर पदोन्नत भी हो सकते हैं। मुमकिन है कि आपको वेतन में भारी वृद्धि प्राप्त होगी। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहे हैं और अपने शरीर की आवश्यकताओं की उपेक्षा करते रहे हैं। शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। यदि आप इसका उपचार नहीं करते हैं तो बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब बारी आती है मकर राशि की। हो सकता है कि आपने लंबे समय तक अपने काम में रुकावट का सामना किया हो, लेकिन आज वह सब बदल गया है। यह आपके लिए एक बहुत ही प्रगतिशील दिन है और आपको अपने काम में एक नई शुरुआत मिलेगी। आप राहत की एक बड़ी संभावना महसूस करेंगे। अंत में आप अपने सभी क्रेडिट कार्ड का भुगतान करने में सक्षम होंगे और अपने कर्ज को काफी कम कर पाएंगे। आज अपने व्यवहार और हाव भाव पर ध्यान दें, क्योंकि आपके साथी द्वारा इसकी गलत व्याख्या की जा सकती है। आज आप विपरीत लिंग के साथ चर्चा से बचना चाहते हैं। आपके पेशेवर जीवन में आप एक उच्च पद प्राप्त करेंगे और कई लोगों के काम के लिए आपका नेतृत्व जिम्मेदार होगा। अपना सर्वश्रेष्ठ करें और आपको जल्द ही पुरस्कृत किया जाएगा। उपवास पेट दर्द और मतली जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पाचन तंत्र की लय को तोड़ रहे हैं, जिससे आपको बचना चाहिए। अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की, जहां आज आपको कुछ भी नीचे नहीं गिरा सकता। आप अपने धैर्य और उचित व्यवहार के माध्यम से अपनी ताकत दिखाते हैं।
आपके पास जल्द ही धन का अधिशेष होगा। भविष्य के आपातकालीन उपयोग के लिए एक निश्चित राशि अलग रखना सबसे अच्छा होगा। कुछ घरेलू मामलों को लेकर आज अपने जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। जितनी जल्दी आप इसे संबोधित करेंगे उतनी ही जल्दी इसका समाधान होगा। आप अपने व्यवसाय से आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे क्योंकि यह बढ़ता रहेगा। कई अन्य लोग आपके व्यवसाय में निवेश करना चाहेंगे। आपके द्वारा की जा रही कुछ गतिविधियां आपके शरीर पर तनाव पैदा कर सकती हैं, जो बाद में और अधिक जटिलताओं का कारण बन सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि स्वस्थ रहने के लिए और उत्पादक जीवन जीने के लिए अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल करें। अब बारी आती है मीन राशि की, जहां कुछ दर्द आपको लंबे समय से परेशान कर रहे हैं, इसलिए जीवन शैली में बदलाव अत्यधिक मददगार हो सकता है। एक नया कसरत दिनचर्या आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लंबे समय तक अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में छोटे सुधार शामिल करें। आप अपनी बचत को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खो सकते हैं जिसने आपसे मदद मांगी है। धन उधार देने में जल्दबाजी न करें क्योंकि यह संभव है कि आपको वह वापस नहीं मिलेगा। सावधान रहे कि आप आज किस पर भरोसा करते हैं। कभी कभी हम वास्तव में नहीं जानते कि हमारे जानने वाले लोग ही हमें धोखा दे जाते हैं। सद्भावना पर किसी के साथ अपने संबंधों के रहस्यों को उजागर ना करें। बाजार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है जिससे व्यवसाय धीमा हो जाएगा। इससे न केवल घरेलू सामान और सेवाएं बल्कि आयात और निर्यात व्यवसाय भी प्रभावित होंगे। आपके माता पिता या आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको कुछ चिंता हो सकती है। आपके कार्य क्षेत्र में पदोन्नति में देरी हो सकती है या आप पर आर्थिक संकट आ सकता है। तनाव कई समस्याओं से आता है और आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप तनाव से दूर रहें। तो ये थी आज की 12 राशियों का हाल। हम कल फिर हाजिर होंगे नए 12 राशियों का हाल लेकर। तब तक आप देखते रहिए वामा टीवी। नमस्कार। सब्सक्राइब वामा फॉर मोर।